लाइब्रेरी रूल फोर इंटीग्रेशन, ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन बी वन लिख दिया, फिर माइनस साइन आता है फॉर्मूले में यू डैश और इंटीग्रेशन ऑफ ठीक सेकेंड फंक्शन, ये फर्स्ट और सेकेंड होता है ना, अब यहाँ पे देखो प्लस साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन अगेन क्या बन जाएगा यू डबल डैश, इसका अगेन इंटीग्रेशन वी थ्री माइनस यू ट्रिपल डैश अगेन डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन करते जाते हैं, देखो u4, ठीक है, ये चलता चला जाता है आपका डॉट 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 डॉट, अब देखो वेयर u डैश मीन्स क्या होता है डी यू ओवर डी एक्स, ध्यान रखना, ठीक है, u डबल डैश मीन्स डी यू डैश ओवर डी एक्स, ठीक है, u ट्रिपल डैश मीन्स डी यू डबल डैश ओवर डी एक्स, ये चलता है बेटे आपका डॉट 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 सिमिलरली, ठीक है, ऐसे आपका देखो v1 इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, वी टू मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ वी वन डी एक्स, ठीक है, वी थ्री इंटीग्रेशन ऑफ वी टू डी एक्स, ये चलता है आपका। अच्छा अभी टेक यू किसको लेते हैं, टेक यू एज ए फंक्शन हूज सक्सेसिव डेरिवेटिव वेनिसेस, ये होता है बेटे फॉर्मूला, ठीक है ना, अब देखो समझ रहा है कि नहीं, देखो अब एग्जांपल देखो आप, जैसे कल भाई हमें एग्जांपल लेना है, देखो बेटा ये एग्जांपल ले लिया हमने, सपोज हमें इंटीग्रेशन करना है, देखो एक्स क्यू ई टू दी पावर टू एक्स का करना है और डी एक्स, ये एग्जाम्पल देखना आप, ठीक है, तो हम यू किसको लेंगे इसमें, यू जिसके डेरीवेटिव जीरो हो जाएंगे, जल्दी है ना, तो ये इसके डेरीवेटिव जीरो हो जाएंगे सेक्शन, तो हमने ले लिया एक्स क्यू ले लिया, ठीक है बेटा, देखते रहे ना फर्स्ट ये ले लिया हमने, अब इस सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो आप, क्या बनेगा इंटीग्रेशन इसका e टू दी पावर टू एक्स अपॉन टू, फिर माइनस साइन फॉर्मूले में आता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करो आप थ्री एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करो सेकंड वाले का e टू दी पावर टू एक्स अपॉन फोर बन जाएगा, ठीक है, फिर प्लस फॉर्मूले में आता है ये बन जाएगा सिक्स एक्स, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे e टू दी पावर टू एक्स अपॉन एट बन जाएगा, ठीक है, फिर आपका माइनस फॉर्मूले में आता है ना बेटे माइनस, देखो साइन आते हैं प्लस माइनस प्लस, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई टू द पावर टू एक्स अपॉन सिक्सटीन, ये बेटे आंसर हो गया, एक बार में हो गया कि नहीं, देखो जैसे कल का एग्जांपल हम कर रहे थे, ये वाला एग्जांपल था एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स वाला था ना, ये वाला कल वाला एग्जांपल ये वाला था, तो हमें एक लाइन में करना है एक साथ, है ना बेटे, अच्छा इसको हम सिखाएंगे बेटे यूनिट फोर पढ़ेंगे ना, यूनिट फोर में इसका इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज है, यूनिट फोर में जब यूनिट फोर पढ़ेंगे ना फोरियर सीरीज, वहां पे हम इसका यूज किया करेंगे, इंटीग्रेशन को हमें एक लाइन में करना है ना, तो देखो कैसे बनेगा, हम इसको ले लें यू, है ना, तो एक्स स्क्वायर ले लिया अपने यू, इंटीग्रेशन करो इसका माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, फिर माइनस फॉर्मूले डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस साइन टू एक्स अपॉन टू, ठीक है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस और इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज कॉस बेटे टू एक्स अपॉन फोर बन जाएगा ना, तो एट आ जाएगा, एट ये आ गया, देखो एक बार हो गया कि नहीं, तो ये फायदे हैं इसके, अब क्लियर हो गया, यस सर, यस सर, क्लियर हो गया ना बेटा, हाँ तो अब देखो इससे ज्यादा, हाँ बताइए बताइए, पीपीटी पेज नंबर 19 पे जाना बेटा, पेज नंबर 19 पता नहीं लग रहा कौन सा है मेरे को, तुम बताओ कौन सा, कौन सा नहीं ऐसे पता नहीं लग रहा, पेज नंबर 90 बहुत पीछे जा रहे हो तुम तो यार, सर एक मिनट रुको रुको रुको, पेज नंबर 19 कौन सा है, ये वाला, ये वाला बेटा, हाँ यस सर ये वाला, हाँ, सर इसमें देखना इसका सीएफ जो निकाला है, हाँ सीएफ ई टू द पावर माइनस एक्स, सही है जो सर सी एफ निकाला है इसमें, इसमें माइनस हाफ प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू और माइनस हाफ प्लस माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू, सर इसमें इरेशनल रिपीट हो रहे हैं ना ये, बेटा इरेशनल नहीं है ये अल्फा प्लस, इरेशनल अलग होते हैं, देखो बेटा ये है अल्फा प्लस आई माइनस बीटा, देखो ध्यान दिया करो, देखो देखो बेटा कभी भी आई आ जाए ना तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं वो,
देखो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा आ रहा है ना, तो कॉम्प्लेक्स रूट बन जाते हैं, कौन से होते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ठीक है ना, क्लियर है। कॉम्प्लेक्स बन गया सर, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद रिपीट वाला हो रहा है ये, तो सर हाँ, रिपीट हो तो सर इसमें लगाया ये, हाँ कॉम्प्लेक्स हो रहा है और रिपीटेड हो रहा है, तो देखो बेटा ये वाला रिपीटेड हो रहा है ना, ये वाला देखो दूसरा ये वाला, तभी लिखा है ना हमने, देखो माइनस वन बाई टू और यहाँ पे देखो सी फोर प्लस एक्स सी फाइव और कॉस बीटा प्लस सी सिक्स प्लस एक्स सी सेवन साइन बीटा बीटा एक्स, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। और कोई दिक्कत, हमारे शॉर्ट मेथड खत्म हो गए थे, बस आज हमें जनरल मेथड स्टार्ट करना था, है ना, अब जनरल मेथड सीखेंगे। yes, तो आज हमारा पीआई वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है, पीआई वाला पार्ट खत्म हो गया, इसका मतलब आपकी हाफ यूनिट कंप्लीट हो जाएगी आपकी, यहाँ तक मतलब आप सोचो इस इतने आपने पढ़ रखा है ना, इसमें से आपका 10 मार्क्स का आना है यहाँ से, ठीक है बेटा। अब हम जनरल मेथड पढ़ते हैं पीआई का, जनरल मेथड फॉर पीआई, जनरल मेथड मेथड फॉर पीआई, इसमें बेटा एक ही फॉर्मूला है आपका, देखो ये क्या होता है फॉर्मूला, पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डी इंटू एक्स, ये होता है। तो बेटा इसमें करते क्या है, बी राइट एफ डी इज द डी माइनस अल्फा और डी प्लस अल्फा, बेटे एक फॉर्म जिसमें से कोई एक फॉर्म लिख लेते हैं हम इसमें, ठीक है, फैक्टर इस तरह से लिख लेते हैं, सपोज करो एफ डी को हम डी माइनस अल्फा डी प्लस अल्फा लिख देंगे, तो हमारा क्या बनेगा देखो केस में, देन पी आई है ना, इसके फैक्टर कर लिए सपोज हमने, तो क्या बनते हैं देखो फैक्टर करते तो या तो डी माइनस अल्फा बनता है या डी प्लस अल्फा टाइप का बनता है ना, सपोज मैंने पहला वाला केस लिखा सपोज, ठीक है बेटा, जब भी आप फैक्टर करते हो तो या तो डी प्लस टू या डी माइनस टू ऐसे तो बनता है ना आपका, तो जनरली आपने ये ले लिया, तो इस केस में पी आई बनता है बेटे आपका, देख रहे ना ई टू दी पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन एक्स ई टू दी पावर अंदर माइनस अल्फा आ जाएगा, अल्फा एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, ये बेटा फॉर्मूला, ये होता फॉर्मूला इसका, ठीक है okay, अगर यहीं पर अगर बेटा सपोज करो यहाँ प्लस होता, यहाँ पर यहाँ प्लस होता तो बाहर माइनस आता, जैसे सपोज दूसरे वाला केस देखो, सेकंड केस देखो, आप दो ही केस बनते हैं इसके, पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन डी प्लस अल्फा हो बेटे आपका, है ना, और एक्स तो उस केस में क्या बनेगा ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स, है ना, कैपिटल एक्स और ई टू दी पावर बेटे प्लस एक्स बन जाएगा अंदर डी एक्स, ये फॉर्मूला है, याद रहेगा फॉर्मूला, इसको मैं यहां लिख देता हूं, चलो इसके e टू दी पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन कैपिटल एक्स e टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, एक साथ लिख देते हैं यहाँ पे, तो एक लाइन में अच्छा लगेगा, ठीक है ना, अब ठीक लग रहा है ना, देखो यस सर ये फॉर्मूला रहा, ठीक है बेटा, ये दो फॉर्मूले बनते हैं, देखो बेटा या तो आपने देखा कभी फैक्टर करते हो तो क्या बनता है फैक्टर, या तो डी प्लस अल्फा या डी माइनस अल्फा टाइप का ही तो बनता है ना, तो ये दो केस बनते हैं आपके, तो ध्यान रखना जब आपका d माइनस अल्फा होगा तो बेटे e टू दी पावर अल्फा x पॉजिटिव आता है, ध्यान रखना क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो d इक्वल टू अल्फा ही तो आएगा ना, इसको d इसको सॉल्व करोगे तो रूट क्या आ जाएगा प्लस का आ जाता है, तो ये अल्फा x इंटीग्रेशन कैपिटल x e टू माइनस अल्फा x dx हो जाता है, ठीक है। अच्छा बेटे बहुत केसेस में देखो, जो अभी हम लिख रहे थे ना, बहुत केसेस में आप अल्फा इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो, पुट अल्फा इज इक्वल टू जीरो इन बहुत केसेस, देखो क्या बनता है देखना, बहुत केसेस देखो क्या बनता है बेटा, जैसे पुट करोगे तो क्या बनेगा, वन अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या बना, ई टू दी पावर जीरो कैपिटल एक्स ई टू दी पावर माइनस जीरो स्मॉल एक्स इंटू डी एक्स, तो बेटा देखो क्या बना, ये इसको हटाई देता हूं, तो देखो क्या बना, ई टू दी पावर ये वन होता है ना, तो क्या बनेगा yes. आपका x dx हो गया, तो 1 अपॉन d मींस क्या होता है, बोला था ना मैंने 1 अपॉन d मींस इंटीग्रेशन, देखो बेटा यहां प्रूफ कर दिया यहां पे हमने, अभी तक मैं आपको प्रूफ करके नहीं बता पा रहा था, याद है ना जब आप पीछे देख रहे थे आप, तो मैंने बोला था d मींस डिफरेंशिएशन, है ना, मैं क्या बोलता था d मींस डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन d मींस इंटीग्रेशन, तो बेटा इससे निकलता था क्योंकि मैंने पहले आपको शॉर्ट मेथड पहले पढ़ाया है आपको, मैंने जनरल मेथड बाद में पढ़ाया है, जनरली आप बुक देखोगे ना जैसे स्टैंडर्ड बुक देखोगे तो स्टैंडर्ड बुक वाले क्या करते हैं पहले जनरल मेथड सिखाते हैं वो, ठीक है। अच्छा बेटा जनरल मेथड कब लगता है, हर केस में लग जाते हैं जनरल मेथड,
हर केस में लग जाता है, एक ही फॉर्मूला होता है जनरल मेथड का, या तो डी माइनस अल्फा होता है या डी प्लस अल्फा होता है, ठीक है। बट इसको लगाते नहीं है हम हमेशा, ठीक है। क्यों नहीं लगाते बेटे, बहुत लेंदी होता है। अब देखो मैं इसके लिए क्वेश्चन बताता हूँ आपको, क्वेश्चन से समझाता हूँ इस चीज को। देखो उसी चीज को समझाने के लिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, ठीक है, वो करते हैं पहले हम इसका। देखो ये क्वेश्चन है आपका, ये एग्जाम में क्वेश्चन बेटे आए हुए हैं कई बार एग्जाम में क्वेश्चन, है ना। देखो ये क्वेश्चन है आपका, एक बेटे क्वेश्चन ये वाला है, डी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेक ए एक्स। एक बेटे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बेटे, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है, डी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू टेन ए एक्स, सेम क्वेश्चन है इस तरह का। देखो यहाँ पे देखो ये LHS सेम है पर RHS डिफरेंट डिफरेंट हो रही है ना, पर क्वेश्चन एग्जाम में ये भी कई बार आया है, तो आपको समझ में आएगा कि इससे होगा ही नहीं आपका, है ना। तो करो सॉल्व, पहले सॉल्व तो क्या निकालोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर, क्या लिखोगे इसको, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है बेटा। एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस ए स्क्वायर। अच्छा एम इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। प्लस माइनस को क्या ले सकते हो, अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट माइनस वन, क्या ले सकते हो इसको, समझ ना बेटे इसको, इसको लिख सकते हो अंडर रूट ए स्क्वायर अंडर रूट माइनस वन, ठीक है। प्लस माइनस ये क्या बन गया इसका, ये ए, इसको लिखते हो आई होता, तो बेटे इसको ये आपके किस फॉर्म का देखा ना, इसको लिख सकते हो ना जीरो, लिख सकते हो ना जीरो। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस माइनस आई बीटा फॉर्म, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ अल्फा कितना है आपका, अल्फा जीरो है और बीटा आपका ए है, ये बताओ क्लियर है ना, बताओ यहाँ तक। सी एफ क्या बनेगा, यस सर क्लियर है। सी एफ e टू दी पावर, लिखो फॉर्मूला पहले, e टू दी पावर अल्फा एक्स, ठीक है, पहले फॉर्मूला लिखो आप, सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स, ठीक है, ये आपने लिखा फॉर्मूला आपने, ठीक है। देखो e टू दी पावर अल्फा, अल्फा बेटे कितना, अल्फा आपका जीरो है ना, जीरो, तो जीरो इंटू एक्स वन हो जाता है, लिख देंगे अभी, लिख दो पहले आप, सी वन कॉस बीटा, बीटा इज ए ए एक्स प्लस सी टू साइन ए एक्स, क्लियर है। तो बेटे ये आपका क्या होता है, ई टू द पावर जीरो मीन्स वन, तो डायरेक्ट लिख दें इसको सी एफ। सी एफ क्या बना आपका, सी वन कॉस ए एक्स प्लस सी टू साइन ए एक्स, बेटे समझ बेटे सी एफ आपको, सी एफ तो क्लियर है ना सब बच्चों को, है ना बेटा क्लियर। हाँ अच्छा, बेसिकली बेटे हमें आप पी ए सिखाना है ना आपको, चलो नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं इसको पी आई को, ठीक है। देखो पी आई, तो बेटा पी आई के लिए क्या करना है, वन अपॉन एफ डी होता है फॉर्मूला, वन अपॉन एफ डी मीन्स ए स्क्वायर डी स्क्वायर और सेक ए एक्स, समझ बेटे सेक ए एक्स। अच्छा और हमें किससे करना है, ये जनरल मेथड से करना है। देखो बेटा जनरल से क्यों करना है, क्योंकि सेक ए एक्स टेन ए एक्स कॉट ए एक्स को सेक ए एक्स अदर देन आ रहे हैं फंक्शन, साइन और कोस के अलावा आ रहे हैं ना, साइन कोस का तो हो जाता है शॉर्ट मेथड से, बट इसके बाद साइन कोस के जो रिमेनिंग जो फंक्शन है उसका नहीं होता, तो हमारा किससे होगा, जनरल मेथड से। तो जनरल मेथड में क्या होना चाहिए, फंक्शन हमारा या तो डी माइनस अल्फा या डी प्लस अल्फा टाइप का होना चाहिए बेटे आपका, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे फिर हम इसके। अच्छा इसके फैक्टर क्या होते हैं बताओ, ये बेटे आपने देखो पढ़ रखा होगा बेटे सिंपल, अगर आपसे पूछे को ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, है करके देखो बेटे, हाँ ये फैक्टर होते हैं बेटे इसके, ध्यान रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स फैक्टर हो जाते हैं उसके। तो क्या बनेगा देखो, ये आपका बन जाएगा वन अपॉन डी प्लस ए आई और इंटू डी माइनस ए आई बन गया बेटे आपका, और सेक ए एक्स, ठीक है, ये बन गया बेटे आपका। अच्छा अब ये लगेगा कब फॉर्मूला, क्या कब लगता है फॉर्मूला, या तो वन अपॉन डी प्लस अल्फा हो या वन माने डी माइनस अल्फा, पर यहां दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब बेटे हमें इस वाले के पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे इसके, इसके हमें पार्ट क्या करेंगे हम इसको, इसके हमें पार्शियल फ्रैक्शन करने होंगे। अच्छा अब देखो बेटा पार्शियल फ्रैक्शन करने का बहुत एक सिंपल तरीका बता दूं, शॉर्ट ट्रिक है जल्दी सीखने की, ठीक है, ट्रिक सीखना बेटे। देखो ट्रिक कब लगाते हैं, देखो एक तो बेटे ऊपर बन हो, देख ध्यान रखना ऊपर बन हो आपका, और देखो नीचे आपके जो डिनोमीटर है ना उसमें आपके लीनियर फैक्टर हो, ऐसे एक्स प्लस फाइव हो और एक्स प्लस सेवन हो, तो आपको एक बार में करना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन एल माइनस एस, डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है, वन अपॉन एल माइनस एस बाहर,
और ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एल। बेटा इसका मतलब होता है लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, और ब्रैकेट के अंदर लिखोगे 1 अपॉन स्मॉलेस्ट नंबर माइनस 1 अपॉन लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो देखो लगाओ इसको क्या बनेगा। देखो एल कौन सा नंबर होगा, एक्स प्लस सेवन एल होगा, है ना, एक्स प्लस सेवन एल हो जाएगा और एक्स माइनस फाइव, सॉरी एक्स प्लस फाइव स्मॉल होगा ना बेटा। तो लिखो इसको एक्स प्लस सेवन माइनस एक्स माइनस माइनस फाइव। ठीक है, ये तो बेटा एल ये हो गया, एल माइनस एस हो गया, और ब्रैकेट के अंदर वन अपॉन एस यानी एक्स प्लस फाइव माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सेवन। देखो पार्शियल फ्रैक्शन आ गया एक बार में, देखो बेटा क्या बना, वन अपॉन टू, ये पार्शियल फ्रैक्शन आ गया। ये ट्रिक बहुत बढ़िया ट्रिक है, ठीक है, डायरेक्ट करने की जल्दी जल्दी। कब लगती है ये ध्यान रखना, न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए और न्यूमरेटर में इस तरह के फंक्शन होने चाहिए कि आप बता पाओ कौन सा बड़ा है। देखो बेटा ध्यान रखना, अब मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस सेवन का करना है आपको, या एक्स या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ उसको, देखो इस तरह से लिख देता हूँ। चलो समझ रहे हो ना इसको कैसे, ट्रिक को याद रखना। देखो बेटा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव लिखा मैंने, ठीक है, और अपॉन में ही बेटे अपॉन इसके साथ ही है आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस नाइन है। और कोई पूछे डायरेक्ट एक लाइन में बताओ पार्शियल फ्रैक्शन तो क्या बनेंगे इसके, देखो बेटा बता पा रहे हो इसमें, देखो इसमें देखो ये वाला सेम है, वेरिएबल सेम है, देखो बेटा ये वाला सेम है ना, तो यहाँ बता पा रहे हो आप। तो कौन सा होगा एल, एल कौन सा होगा, एल ये वाला होगा, तो दिस माइनस दिस बनेगा फोर डायरेक्ट बेटा है ना, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस नाइन। ट्रिक कैसी लगी बताओ, डायरेक्ट करने वाली याद रहेगी ना ट्रिक ये, ठीक है, याद रहेगी। हाँ अगर बेटे मैं आपसे कहूँ कि ये ट्रिक इसमें लगाऊं, मैंने लिख दिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सेवन, ठीक है, और मैंने लिख दिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू लिख दिया, तो बेटे यहाँ पर नहीं लगेगी ट्रिक, क्यों नहीं लगेगी, देखो बेटे यहाँ पर जो है ना वेरिएबल वाला फंक्शन सेम नहीं है। देखो यहाँ पर, यहाँ पे देखो कितना है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स है, और यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। अगर मैं लगाऊंगा तो बेटे देखो मेरे क्या जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स और एक्स तो बेटे कभी आता नहीं है, कभी कांस्टेंट में ना, अगर मैं सबटल एल अगर गलती से लगाऊंगा ना मैं, तो क्या बन जाएगा एक्स माइनस फाइव आ जाएगा, तो एक्स में फाइव तो कभी आ ही नहीं सकता, कॉन्स्टेंट आना चाहिए ना, तो बेटे यहाँ नहीं लगेगा ये वाला, ध्यान रखना इस चीज़ को, आप हर एक में लगा डालो ऐसे नहीं लगेगा, दिमाग से लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये बेटे समझ आया आप लोगों को ये ट्रिक, आपको बहुत सारी ट्रिक करूंगा मैं। पहला वाला एक बता दीजिए। हाँ देखो बेटा ये ट्रिक, देखो बेटा कब लगाते हैं इसको, जब आपका लीनियर फैक्टर हो या इस तरह के आपके फैक्टर हो कि आप बता पाओ उसमें कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है ना बेटा। तो यहाँ आप क्लियरली बता लोगे, आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रख के देख लो आप, तो बता दोगे ये नंबर बड़ा होगा ये छोटा होगा, है ना, तो वेरिएबल सेम है दोनों में, बेटे इसमें वेरिएबल एक्स है इसमें भी एक्स है, तो लग जाएगा आपका। ठीक है ना, तो क्या लगाया आपने 1 अपॉन एल माइनस एस, एल मीन्स लार्जेस्ट, बेटे ये वाला एल बेटा ये वाला नंबर एल होगा ना आपका, क्योंकि एक्स की वैल्यू सपोज बेटे आपने 1 ले ली, तो ये नंबर क्या बन जाएगा 8, ये नंबर क्या बनेगा आपका 6, तो एल कौन सा होगा ये होगा एस, ये वाला होगा ना एस, तो आप क्या होता है 1 अपॉन एल माइनस एस ब्रैकेट में 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एल, क्लियर है, तो बेटे लगा दे डायरेक्ट आ गया आपका। ऐसे यहाँ पे देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस नाइन है, तो देखो बेटा ये वाला टर्म सेम है, देखो ये वाला टर्म बिल्कुल सेम है दोनों में, तो यहाँ पे भी लग जाएगा ये ट्रिक है ना, यहाँ पे भी लग जाएगी ट्रिक ये वाली, और यहाँ पे क्यों नहीं लगेगी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सेवन और एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, तो यहाँ बेटे देखो ये सेम नहीं है बेटा, देखो ये वाला टर्म ये सेम नहीं है, तो यहाँ पे नहीं लग पाएगी आपकी ना, क्लियर है ना। चलो अब ये सेम ट्रिक इसमें लगाओ, जल्दी बताओ क्या बनेगा, जल्दी बताओ, तो तुम सीख गए ना, हाँ जल्दी बताओ एक लाइन में बताओ मेरे को सर, डी माइनस ए आई, हाँ डायरेक्ट बताओ जल्दी, हाँ तो टू ए आई आ जाएगा, यस हाँ टू ए आई, फिर ब्रैकेट में वन अपॉन डी माइनस ए सेक्स, ठीक है ना, क्लियर है बेटे यहाँ तक, जी सर यहाँ तक क्लियर है। हाँ अब देखो बेटे, अब हमें देखो सेम कर, अब इसको देखो इसको इसके साथ लिखेंगे वन अपॉन टू ए आई, टू ए आई वन अपॉन डी माइनस ए आई है ना, और ये सेक ए एक्स माइनस वन अपॉन डी प्लस ए आई सेक ए एक्स हो गया। चलो बेटे इस ब्रैकेट को मैं यही ब्रैकेट लगा देता हूँ ना, सिंपल, अब देखो सिंपल फॉर्म बन गई ना आपके, ये तो क्या बनेगा आपका वन अपॉन टू ए आई, ठीक है बेटा, इसको आप आई वन लिख दो आप, इसको माइनस आई टू लिख दो आप, क्योंकि अलग अलग कर लेंगे हम इसको। अच्छा
जब आपके रूट कॉम्प्लेक्स होते हैं तो बेटा आपको एक ही को निकालना होता है, आई वन को निकालना है बस खाली। आई टू में क्या करेंगे, जो आई वन का रिजल्ट आएगा उसमें बस आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा, बड़ा आसान इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका। यहाँ तक समझ आया कि नहीं बताओ? आपने पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन किए, पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन आपने सेम कर दिया बेटे, अब देखो आपका यही फॉर्म बन गई वन अपॉन डी माइनस अल्फा इंटू एक्स। देखो बेटा ये फॉर्म बन गई ना आपकी, देखो ये वाली वन माइनस डी माइनस अल्फा एक्स या वन प्लस डी प्लस अल्फा बनती है, मैं बोला या तो ये दो फॉर्म बनती है आपकी। यस सर। ठीक है, तो हम आई वन को सॉल्व करते हैं। ये आपका इधर सारा रफ वर्क था बेटा, ना स्टार लगा रखो, रफ वर्क होता है आपका, ध्यान रखना। चलो आप आ जाइए फर्स्ट पर, आई वन क्या है, आई वन बताइए जल्दी। आई वन है वन अपॉन डी माइनस ए आई सेक एक्स। अब देखो बेटा ये फॉर्मूला होता है हमारा वन अपॉन डी माइनस अल्फा, ये फॉर्म है ना एक्स, क्या फॉर्मूला होता है इसका, ई टू द पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन एक्स ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू डी एक्स, ये बेटा फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, तो लगाओ क्या बनेगा, ई टू दी पावर अल्फा, अल्फा बेटे क्या है ए आई अल्फा है हमारा। ठीक है, तो क्या लिखोगे ए आई एक्स, ए आई एक्स। ठीक है, कैपिटल एक्स बेटे ये वाला है हमारा, तो सेक ए एक्स। ठीक है, ई टू दी पावर माइनस ए आई एक्स इंटू डी एक्स। किसी बच्चे को दिक्कत यहां तक? देखो बेटा इस क्वेश्चन में अल्फा हमारा ये है ए आई और कैपिटल एक्स सेक ए एक्स है, बस ये किया है मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं? ये फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला यही तो है, डी वन अपॉन डी माइनस अल्फा एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन कैपिटल एक्स ई टू द माइनस अल्फा एक्स डी एक्स, ये वाला देखो ना, ये फॉर्म देखो, इससे कंपेरिजन करो तुम इससे, तो ए इज इक्वल टू क्या बना, क्या निकला अल्फा इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले से कंपेरिजन करो तो अल्फा इज इक्वल टू क्या बना, अल्फा इज इक्वल टू ए आई बना। ठीक है, और कैपिटल एक्स क्या बना, सेक ए एक्स बना। ठीक है ना, ये उस पर कंफ्यूजन हो रहे हैं, ये उस पर सी ओ देख रहे हैं, सी एफ वाला पार्ट है ना बेटा, वो नहीं है। ठीक है, अलग है ये। ठीक है, यहां तक आ गए हो? अच्छा, अब बेटा एक फॉर्मूला और होता है, देखो ई टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यूलर थ्योरम है ना, और ई टू माइनस आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये फॉर्मूला और लगाएंगे हम। ठीक है, ये वाला तो चलो लगाओ इसमें, देखो sec थीटा तो आप sec ए एक्स तो एज इट इज आगे, इसका लगा दो फॉर्मूला, तो क्या बनेगा ये, cos ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स इंटू डी एक्स, ये वाला लग गया फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है, ये वाला e टू दी पावर माइनस आई थीटा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये लगा दिया। ठीक है, e टू दी पावर ए एक्स, क्लियर बेटे हो गया। अच्छा, e टू दी पावर ए आई एक्स sec का मल्टीप्लाई करो आप अंदर जाके, तो क्या बनेगा, करोगे sec इंटू cos, क्या होता है sec इंटू cos क्या बन जाएगा, वन माइनस आई, और बेटे ये साइन ए एक्स है ना, और इंटू cos इंटू sec ए एक्स को हम लिख देंगे वन अपॉन cos ए एक्स, कोई दिक्कत हो जाएगा? हाँ, टेन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे लिख, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे टेन हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकता था क्या मैं, तो वन माइनस आई टेन ए एक्स इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत बेटे यहाँ किसी बच्चे को, माइनस आई टेन ए एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, चलो लिखिए वैल्यू ई टू दी पावर ए आई एक्स, बेटे इंटीग्रेशन ऑफ वन एक्स हो जाएगा माइनस आई। अच्छा बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ टेन क्या होता था याद है आपको, टेन ए एक्स अपॉन ए, टेन एक्स बेटे क्या होता था, माइनस लॉग कॉस ए एक्स अपॉन ए हो जाएगा बेटा, है ना, साइन साइन अपॉन कॉस लिखते थे ना, कॉस को टी माइनस। ठीक है ना, ये होता फॉर्मूला। ठीक है, और बेटे इसको लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो लॉग sec ए एक्स अपॉन ए भी लिख सकते हो बेटे, इसको ये भी लिख सकते हो इसको आप। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर। हाँ, तो देखो बेटा ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इसका लिख दो लॉग माइनस में आ जाएगा, तो माइनस बेटे प्लस बन जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग cos ए एक्स अपॉन ए। ठीक है, ये बेटे इंटीग्रेशन लिख दिया आपका, जो माइनस में प्लस बन जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या बना, देखो ई टू द पावर ए आई एक्स
एक्स प्लस आई अपॉन ए लॉग कॉस ए एक्स, ये आ गया बेटे आपका फर्स्ट पार्ट आ गया आई वन निकालना है आपको। तो आई टू कैसे निकालोगे आप, कुछ नहीं करना बेटे, साइन चेंज कर देंगे आई के पहले वाला, बस कुछ नहीं करना बेटे, जहां पर आपका आई है ना वहां पे माइनस आई बना दो बस, आपका ये सेम आ जाएगा। सिमिलरली लिख दो बेटे इसको, सिमिलरली सिमिलरली आई टू इज इक्वल टू क्या है आपका, आई टू वन अपॉन डी प्लस ए आई है और सेक ए एक्स है, ठीक बेटे। तो उसमें क्या करेंगे, जहां पर आई है वहां पर माइनस आई बना दो इसके रिजल्ट में, तो क्या बन जाएगा माइनस ए आई एक्स, एक्स माइनस आई अपॉन ए लॉग कॉस ए एक्स, ये हो गया बेटे आई टू आ गया और आई वन आ गया आपका। इनकी वैल्यू पुट कर दो, किसमें पुट करोगे, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन, वन लिखा था बेटे वन, हाँ वन पुट कर दो। देखो पुट दीज वैल्यू इन बेटे क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, इससे पुट दीज वैल्यू ध्यान रखना, दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन वी गेट। तो देखो बेटा क्या था आपका, आई इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए आई था बाहर है ना, देखो वन अपॉन टू ए आई था ना बाहर, देखो हाँ आई वन की वैल्यू पुट करो पहले, आई वन क्या है आपका, आई वन है ई टू द पावर ए एक्स आई ए एक्स, ठीक है ई टू आई ए एक्स, एक्स प्लस आई अपॉन ए लॉग कॉस ए एक्स माइनस इसकी वैल्यू है ई टू द पावर माइनस ए आई एक्स, ठीक है बेटा एक्स माइनस आई अपॉन ए लॉग कॉस ए एक्स। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हम, देखो क्या बना वन अपॉन टू ए आई, ठीक है। अब देखो बेटे इन दोनों टर्म में देखो इनमें क्या फर्स्ट टर्म में x कॉमन आ रहा है दोनों से, तो मैं x ले लें कॉमन, तो क्या बना देखो e टू द पावर ए आई एक्स माइनस ई टू द माइनस ए आई एक्स, क्लियर है यहाँ तक प्लस। अब बेटे देखो जब इन दोनों टर्म को लिखूंगा मैं इन दोनों को, तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा i अपॉन a कॉमन आ रहा है और log cos ax कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, तो क्या बनेगा e टू द पावर ए आई एक्स और माइनस माइनस प्लस e टू द पावर माइनस ए आई एक्स। अब इधर देखना बेटे देखो दो फॉर्मूले और होते हैं, देखो एक तो आपको होता है साइन, या मैं ये लिख देता हूं देखो इसको देखना बेटा, मैं इसी से कहूं मैं आपसे, देखो e टू द पावर ए आई एक्स होता है आपका कॉस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स, देखते रहना इसको, ठीक है। अच्छा e टू द पावर माइनस ए आई एक्स आपका होता है कॉस ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स, ठीक है बेटा इनको ऐड कर लो आप, ऐड करोगे तो क्या बनेगा देखना e टू द पावर ए आई एक्स प्लस e टू द पावर माइनस ए आई एक्स डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए एक्स, ये कॉस ए एक्स का फॉर्मूला, इसको ऐड करने पर आ जाता है बेटा, ऐड करने पर ध्यान रखना इनको, ऐड कर लोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है इनसे। अच्छा सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटे आपका आ जाएगा साइन ए एक्स, साइन ए एक्स क्या आ जाएगा e टू द पावर ए आई एक्स माइनस e टू द पावर ए आई एक्स अपॉन टू आई, ये सब्ट्रैक्ट करने पा जाता है, तो बेटे याद रखना फॉर्मूले ये ना। तो हम देखो यहाँ पर क्या बनेगा वन अपॉन टू ए आई, ये बना अच्छा ये यह बन जाएगा x, ये आपका क्या बनेगा ये वाला ये माइनस है ना, तो क्या बना टू आई साइन ए एक्स, ठीक है i अपॉन a। अच्छा बेटे इसको हम है ना पहले लिख दो इसको, तो क्या बनेगा ये बन जाएगा 2 cos ax, 2 cos ax बन जाएगा, देखो इसकी वैल्यू लिखेंगे 2 cos ax यहाँ से है ना, और log cos ax, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें 2i, देखो 2i 2i और 2 और i कैंसिल हो गया, तो क्या बचा देखो 1 अपॉन a एक्स साइन ए एक्स प्लस कॉस ए एक्स अपॉन ए लॉग कॉस ए एक्स, ये बेटे पी आई आ गया। तो मैंने कहा था ना थोड़ा लंबा पड़ता है इसलिए नहीं करते हम, अब सोचो बेटे कितने लंबे लंबे हो जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए हम शॉर्ट मेथड लगाते हैं ध्यान है, ठीक है। अगर इसी को हम कर रहे होते तो मतलब शॉर्ट मेथड से जल्दी हो जाता था ना क्वेश्चन, लॉन्ग से लंबे होते हैं जी सर। इसलिए बेटा इसलिए जब भी हमें पीआई निकालना होता है पहले हम शॉर्ट मेथड लगाते हैं, अगर इससे लगाओगे तो लंबा जाता है आपका,
इसलिए हम कभी नहीं लगाते, ठीक है। अगर मजबूरी है वही लगाएंगे, तो वहाँ क्वेश्चन भी आपका लॉन्ग में आता है, क्वेश्चन भी जब इससे पूछता है ना कि फाइंड द पीआई, तो क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का बन जाता है वो क्वेश्चन, ठीक है। हाँ कंप्लीट सॉल्यूशन सर, ये सर सबट्रैक्शन में आपने साइन ए एक्स में ये 2 आई आएगा। हाँ बेटा सबट्रैक्ट करोगे ना, तो देखो बेटा इसको सबट्रैक्ट करो आप, e टू द पावर ए आई एक्स, और ये सबट्रैक्ट करो तो बेटा ये cos cos कैंसिल हो जाएगा और 2 आई साइन ए एक्स बन जाएगा ना। okay, करके देखो, ठीक है ना, 2 आई साइन ए एक्स बन जाएगा। तो ध्यान रखो बेटा इसमें आई आता है इस वाले में, ठीक है ना, इसलिए मैंने आई लिखा है यहाँ पे 2 आई साइन ए एक्स, ठीक है। अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, और ये आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन कैसा लगा आपको, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन बेटे दे रखा है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर और ई टू द पावर एक्स। बेटे अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, पर बता ना, आप देखो देख के पता लग रहा है ना, ये क्वेश्चन हमारे e टू द पावर ax का तो हो जाएगा। अगर हमारा होता ना e टू द पावर ax तो हम इसका तो कर लेते डायरेक्ट पी आई, किससे, शॉर्ट मेथड से। बट ये क्या है, e टू द पावर x है ना, फंस गया ना क्वेश्चन, तो किससे होगा ये, जनरल मेथड से। हाँ पर बेटा एग्जाम में मेंशन नहीं करता कभी भी, ये एग्जाम में मेंशन नहीं करेगा, ध्यान रखना चीज को, इसको तो आपको ध्यान देना होगा, ये मेंशन नहीं करता, बस लिख देता है कि भाई सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो तो आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन, निकालो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ए ई इज शॉर्ट में। हाँ क्या होगा बेटे इसका, एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, एम प्लस 1 प्लस एम एम प्लस 2। तो बेटे इसमें हमारे वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 माइनस 2। रूट कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, सी एफ सी वन ई टू दी पावर माइनस एक्स सी टू ई टू दी पावर माइनस 2x, ठीक है बेटा। पी आई, अब बेटे मेन पी आई में फंसता है हमारा काम है ना, तो पी आई में लिख दो बेटे क्या है हमारा, डी प्लस 1 और डी प्लस 2 और ई टू दी पावर एक्स, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले बेटे इसके फैक्टर करो, ट्रिक से जल्दी बताओ फैक्टर कैसे बनेंगे, 1 अपॉन एल माइनस एक्स, जल्दी करो, डायरेक्ट लिख दूं मैं 1 अपॉन 1, ठीक ना, 1 अपॉन 1 क्या बनेगा, 1 अपॉन डी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन डी प्लस 2 ना, डायरेक्ट ट्रिक से कर लिया बेटे आपने, है ना। अब तो कितनी बढ़िया सॉलिड ट्रिक है ना, अभी हमें टाइम लगता है, अगर हम करेंगे ए अपॉन करके और बी पर करके टाइम लगता ना, तो देखो हमने ट्रिक याद रखी और डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिया यहाँ तक, है ना। अब क्या बना, 1 अपॉन डी प्लस 1 ई टू द पावर ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन डी प्लस 2 ई टू द पावर ई टू दी पावर एक्स, ठीक है बेटा। इसको आप लिख दो आई वन, इसको लिख लो आप आई टू, ठीक है, इसको नंबर 1 डाल दो। अब नेक्स्ट पेज पे करो इसको, देखो बेटा आई वन, आई वन क्या है आपका, आई वन है 1 अपॉन डी प्लस 1 ई टू दी पावर ई टू दी पावर एक्स। अब देखो बेटा ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, डी प्लस अल्फा वाला है ना, डी प्लस अल्फा एक्स क्या होता है, e टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स कैपिटल एक्स ई टू दी पावर अल्फा एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला होता है। तो लगाओ क्या बना, देखो e टू दी पावर माइनस अल्फा, अल्फा बेटे वन हो जाएगा, हाँ 1x जी सर, इंटीग्रेशन एज इट इज बेटे, ये एज इट इज आ जाता है e टू दी पावर एक्स एज इट इज और e टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स, है ना। अब देखो बेटा इंटीग्रेशन करना है हमें, तो या तो अलग से बेटे इंटीग्रेशन निकाल लो, कुछ बच्चे अलग से निकाल लेते हैं, बस अलग से निकाल लो e टू दी पावर एक्स और e टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये बेटा लेट e टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू टी, टी लेट कर लिया तो क्या बना e टू दी पावर एक्स डी एक्स बन गया बेटे डी टी, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा टी e टू दी पावर टी इंटू डी टी बन गया बेटे, देखो है ना, देखो ये तो बेटे डी टी बन गया सीधा सीधा, यस सर सिंपल e टू दी पावर टी आएगा। अरे बेटा गलत लिख दिया बेटा, सॉरी टी नहीं आएगा, टी नहीं आएगा, हाँ टी नहीं आएगा बेटा, टी नहीं आएगा, सॉरी e टू दी पावर टी बन गया बेटे, है ना। e टू टी कितना आपका, e टू दी पावर e टू दी पावर एक्स। तो देखो क्या आ गया इंटीग्रेशन, देखो बेटा ये टर्म तुम्हारा एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन हमने अलग से निकाले, क्या निकला e टू दी पावर एक्स, आगे बेटा पहला वाला। चलो अब आई टू निकालो बेटे, आई टू, आई टू क्या है, 1 अपॉन डी प्लस 2
और इंटू ई टू दी पावर x, ये वाला टर्म है बेटे आपका, ठीक है, देखते रहना इसको। तो क्या बनेगा, ई टू दी पावर माइनस टू एक्स, e to the power x, e to the power 2x into dx। अब बेटा इसका भी अलग से इंटीग्रेशन निकालो, बेटा देखो इसको अलग से निकालो इंटीग्रेशन, ठीक है, कैसे करोगे दो बेटा इंटीग्रेशन इसका अलग से, हमने ले लिया i इज इक्वल टू क्या है e to the power है बेटे e to the power x को बेटे देखे ना e to the power x into dx, कोई दिक्कत हो ना e to the power 2x को। अब e to the power x को बेटे मैंने t ले लिया तो क्या बना e to the power x dx equals to dt। हाँ तो देखो बेटा ये बन गया हमारा e to the power t, ये बेटे बन गया हमारा t है ना, और ये हमारा dt बन गया पूरा dt। अच्छा बेटे इसका इंटीग्रेशन एक लाइन में कर दो, कैसे, इसको t को ले लो फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power t माइनस डिफरेंशिएशन, माइनस डिफरेंस ऑफ दिस फंक्शन योर इंटीग्रेशन e to the power t, हो गया एक बार में e to the power t आ जाएगा सिंपल, बस e to the power t माइनस 1 और नहीं बेटा e to the power कॉमन आ गया ना, ये t e to the power t कॉमन आ गया, ये आ गया, ठीक है। और बेटे इसकी वैल्यू क्या है e to the power x माइनस 1 इंटू e to the power ही आ गया बेटे इंटीग्रेशन, क्या आ गया देखो e to the power माइनस 2x, क्या वैल्यू है इसकी, ये आ गई e to the power x माइनस 1 इंटू e to the power x, ठीक है। चाहो तो बेटा थोड़ा सा इस e to the power x को अंदर ले आओ तो बेटा क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा e to the power माइनस x माइनस e to the power माइनस 2x इंटू e to the power x। तो देखो बेटा ये हमारा आई वन आ गया, ये हमारा आई टू आ गया, अब इनकी वैल्यू कैसे पुट करनी हमें, इक्वेशन नंबर कौन सा नंबर है हमारा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, देखो पुट इन फर्स्ट, कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं सर, अच्छा था, यस सर, e टू दी पावर माइनस है। अब देखो बेटा ये दो क्वेश्चन आपने कर लिए इस तरह के, तो कोई भी क्वेश्चन बेटे कर लोगे आप, अगर थोड़ा चेंज करके आ जाएगा, मैं इसलिए कहता हूँ जो टीचर क्लास में कराते हैं ना क्वेश्चन उनको अच्छे से कर लिया करो बेटा, है ना, अगर आप अलग से नहीं पढ़ पा रहे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो सन्ने करा दिया वो पढ़ लिया तो आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, ठीक है बेटा। आप देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, e to the power x कॉमन आ गया, तो क्या बचा बेटे यहाँ पे बचा e to the power minus x, यहाँ पे बचा e to the power minus x प्लस e to the power minus 2x, ये बेटे कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया e to the power minus 2x और e to the power x, ये बटे आपका आ गया pi, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लोगे आप, कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू cf प्लस pi, तो बेटा आज आपका है ना बेटे pi खत्म हो गया, आप सॉरी आज आपका जो cf और pi का बेटे पार्ट वो खत्म हो गया आपका, एक टॉपिक खत्म हो गया आपका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। अब इसके बाद बेटे एक वो है रिड्यूसिबल बताएंगे और होमोजेनियस सॉरी साइमल्टेनियस, मतलब यहाँ तक आपका लगभग 50% सिलेबस खत्म हो गया आज, ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा ना, यस सर आ गया, है ना बेटा। इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लो बेटे आप, अब देखो मैं आज काम नहीं दे रहा, होमवर्क नहीं दे रहा मैं आपको, एक क्वेश्चन देना था मेरे को पर दे नहीं रहा मैं, ठीक है ना सर, वो जो कल क्वेश्चन किया था सर उसका आंसर मेरा चेक कर लेते एक बार, अच्छा अच्छा चलो एक क्वेश्चन दो बेटा होमवर्क में बताओ, कहो तो दे दीजिए ट्राई कर लेंगे, हाँ हाँ चलो ट्राई करना, एक क्वेश्चन दे देता हूँ, चलो ये क्वेश्चन है बेटा, ये वाला क्वेश्चन है, हो जाएगा, और जनरली आप लोग कोई बुक होगी ना बेटा बुक में भी होगा सॉल्व क्वेश्चन, हो सकता है बुक में, देखो ये क्वेश्चन है ये वाला सॉल्व, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस y इज इक्वल टू एक्स माइनस कॉट एक्स, तो बेटे देखते पता लग रहा होगा आपको किससे होगा, ये जनरल मेथड से ही होगा, जनरल रूल, यस सर, हाँ ओके। देखो उससे कब होता है बेटे को, उससे कब होता है, जब आपका शॉर्ट मेथड से कब होता है, e टू द पावर ए एक्स हो, ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी हो और कॉस ए एक्स प्लस बी हो, है ना। थर्ड क्या था आपका, x टू द पावर m हो, है ना। फोर्थ क्या था बेटा, v e टू द पावर ax हो, ये थे बेटे आपके, ये जनरल मेथड है फोर आपके, ठीक है, सॉरी शॉर्ट मेथड से फोर टाइप के होते हैं, इनके अलावा जो भी होगा वो किससे होगा, आपका जनरल मेथड से होगा, ठीक है ना। इसका आंसर लिख दें, इसका आंसर, चलो y इज इक्वल टू c1 cos x
प्लस सी टू साइन एक्स प्लस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। ठीक है बेटा, ये है ये आंसर। कल वाले का भी आंसर बता देते सर, कल वाले का। अच्छा कौन सा क्वेश्चन था बेटा कल वाला, बताओ मेरे को, मैं भूल गया कौन सा क्वेश्चन था कल वाला। सॉल्व d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 ऊपर वाला सर, ऊपर वाला। अच्छा ऊपर वाले का आंसर। अच्छा अच्छा रुक जाओ, इसका आंसर मैं देखता हूँ क्या है। इसका बेटे आंसर होगा, मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है, y इज इक्वल टू सी वन प्लस एक्स सी टू, सी वन प्लस एक्स सी टू ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स, ये आंसर होगा। ठीक है ये लिख दिया मैंने, ठीक है बेटा ये आंसर होगा इसका। अच्छा और बेटे सारे क्वेश्चन आपके हो गए ना, ले लेता। हाँ और सारे क्वेश्चन आपके हो गए ना बेटा, अगर बेटे इतने क्वेश्चन आपने कर लिए इसी में से एग्जाम में आपको मिल जाएगा, है ना। अच्छे से करना इन क्वेश्चनों को अच्छे से, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ ठीक है, स्टॉप करते हैं बेटा ना।